अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये साइन इनवर्स है, ये टेन इनवर्स है, दोनों को एक ही टर्म में लिख लो, मतलब आपको पता है टू टेन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे ना साइन इनवर्स। अब देखो स्टेप बचाना है, ये दोनों कैंसिल, मतलब एक तरह से एक्स इक्वल टू, अब एक चीज याद रखिएगा जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो कहने को एक्स कैंसिल होगा पर एक्स कैंसिल नहीं होगा, ऐसा होता है, तो आप एक्स कॉमन लोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स की एक वैल्यू मिली जीरो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन यानी प्लस माइनस वन, कितनी वैल्यू आ गई तीन, तो तीन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, थ्री नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अच्छा जीरो तो देख के पता चल रहा है, आप जीरो रखो यहां पर, देखो साइन वर्स जीरो जीरो, टेन वर्स जीरो जीरो, वन रखो साइन वर्स वन पाई बाई टू, टेन वर्स वन पाई बाई फोर इंटू टू, ये हो गया, माइनस वन रखो माइनस पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई बाई टू, तो थ्री सॉल्यूशन हुए, जीरो प्लस वन और माइनस ऑफ वन। एक्स कट करने वाला काउंट करना पड़ेगा, यही तो, अगर किसी बच्चे ने ये गलती कर दी तो वो उसको निकलेगा ऐसा दिखेगा वन प्लस। देखो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक बहुत बड़े बहुत सारे लोग करने वाले हैं, जैसे ही आप इसको ऐसा लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा क्या है, जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो कुछ कैंसिल नहीं करते, मान लो कोई बच्चा ये कैंसिल कर दे टू, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो प्रॉब्लम ये कि अगर ये कैंसिल कर दिया तो एक सॉल्यूशन कम हो जाएंगे, कोई टू लगा सकता, नहीं कैंसिल नहीं करना है, जब भी रूट्स निकालते हैं तो एक फैक्टर ये भी होगा, यानी तीन सॉल्यूशन होंगे, इसमें मिस्टेक के चांस बहुत थे इस क्वेश्चन में।